क्लास फिफ्थ मैथमेटिक्स मैं आरएस प्रसाद आज आप लोगों को चैप्टर टू ऑपरेशंस का जो है पार्ट टेन कराने जा रहा हूं। चलिए देखते हैं इसमें क्या है। इसमें वर्ड प्रॉब्लम दी हुई है मेनली, तो चलो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द डेली वेजेस ऑफ 25 लेबर्स इज रुपीज 1750। सो व्हाट इज द डेली वेज ऑफ ईच लेबर। मतलब ये है कि 25 लेबर्स को जो है वो 1750 मिलते हैं, तो एक वन लेबर का बताना है, मतलब इसको डिवाइड करना है। सो 25 से किसको डिवाइड करना है देख लीजिए। ये डिवाइड करना है हमें 1750 को। सो 2 से डिवाइड करेंगे 1 में, तो वन में तो डिवाइड होगा नहीं, तो एक और ले लेते हैं, 7 को भी साथ में ले लेते हैं, तो 17 हो जाएगा। तो 2 8 17 हो जाएगा, 2 8 16। एक और कम कर दीजिए, 2 7 जा ले लेते हैं, 2 7 जा लेके चल रहा हूं मैं। तो 7 5 जा कितना हो गया 35। इसको इधर दिखा दे रहा हूं बच्चों, क्या करना है 25 की मल्टीप्लाई करनी है 7 से। कर दीजिए जरा, 7 5 जा 35, 5 3 कैरी हो गया, और 7 2 जा 14 और 3 ये हो गया 70, यानी 175 हो जाएगा। तो यहाँ आ जाएगा 175 आ गया, और ये 0 अभी बाद में लेंगे 0। तो पहले इसको माइनस कर देते हैं, तो ये सब जो है कट जाएगा, कैंसिल हो रहा है सारा का सारा, ऊपर से 0 और ले लेंगे, लेकिन इसमें चूंकि डिवाइड नहीं हो रहा तो 0 और यहाँ लगा देंगे, और ये यहीं पर रिमाइंडर हो जाएगा। तो यहाँ मेन जो है आंसर आ चुका है, 70 रुपीज है। सो क्या लिखना है यहाँ पर, डेली वेज ऑफ ईच लेबर। तो यहाँ लिख देंगे आप डेली डेली वेज ऑफ ईच लेबर इज इक्वल टू रुपीज, लिखना नहीं भूलेंगे, और कितना होगा 70 हो जाएगा, और यही आपका आंसर हो जाएगा। तो इसको ध्यान से करना है बच्चों, कोई जल्दी मत मचाइए करने में। चलिए नेक्स्ट को भी देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। ऑन डिवाइडिंग 21,500 बाई अ सर्टेन नंबर वी गेट 125 एज द कोसेंट, फाइंड द डिवाइजर्स। तो चलिए देखते हैं, इट मीन्स कि हम 125 से ही डिवाइड करेंगे किसको, ये जो नंबर दिया है 21,500, इसको डिवाइड करेंगे तो वो नंबर हमारा मिल जाएगा। तो चलिए यहाँ 2 नंबर्स को ले लीजिए, ये दोनों ले लेते हैं, और यहाँ पर भी 2 नंबर्स को ले लेते हैं। तो 12 2 24 होता है, तो ये 1 टाइम्स ही जाएगा, तो 1 टाइम्स लिखेंगे तो यहाँ 125 आ जाएगा। चलिए इसको माइनस कर लेते हैं, 5 माइनस 5 0 हो जाएगा, और यहाँ से कैरी लेंगे 11 11 माइनस 2 तो 9 हो जाएगा। ऊपर से अब एक 0 हम ले लेते हैं, ये वाला 0 नीचे आ जाएगा। अब ये 12 का 90 में पढ़ लेंगे टेबल, तो 7 टाइम जाएगा ये, तो देखते हैं इसमें क्या हो जाएगा। 7 टाइम्स 12 84 7 टाइम देख लेते हैं करके इसको, वैसे तो ये 6 टाइम्स मेरे ख्याल से जाएगा। देखते हैं 125 को पहले मैं 6 से मल्टीप्लाई करके देख लेता हूँ जरा कितना आएगा। तो 6 5 जा 30 3 आ जाएगा, और 6 2 जा 12 और 3 15, तो 6 12 और 1 12 और 3 15 1 कैरी, 6 1 जा 6 और 1 7 हो जाएगा। और ये तो कुछ कम से लग रहा, 7 से भी देख लेते हैं करके इसको, 125 को 7 से मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं जरा,
5 जा 35 तो 3 हो गया, और 7 2 जा 14 और 3 15 हो गया, और 1 कैरी हो गया, 7 1 जा 7 और 1 8 हो जाएगा। यहाँ पे यहाँ कैसे कम आ रहा है, 7 2 जा 14 और 1 14 और 3 15 और 6 से था तो 7 हो गया, यहाँ 8 आ रहा है। तो मेरे ख्याल से ये आएगा आपका बच्चों, ये यानी 7 वाला ठीक है हमारे पास। तो चलिए देखते हैं इसमें 7 टाइम्स को लेके चलते हैं, तो यहाँ आ जाएगा 5 5 और 8 हो जाएगा। चलिए इसको माइनस कर दीजिए, कितना आ जाएगा यहाँ से 5 बच जाएगा, ये माइनस करना होता है, और यहाँ से कैरी ले लिया हमने 10 हो गया, यहाँ 9 बच गया, 9 माइनस 5 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब जीरो और ले लेते हैं ऊपर से, ये वाला जीरो बच गया है जिसको हम यहाँ ले लेते हैं। अब यहाँ 12 से टेबल देखते हैं कितना टाइम जाएगा, 12 3 जा यहाँ 3 टाइम देखते हैं बच्चों, तो 125 को जो है 3 से मल्टीप्लाई कर दो, पहले हम मल्टीप्लाई चेक कर लेते हैं बच्चों, यहाँ कुछ गड़बड़ लग रहा है मुझे। 7 5 जा 35, 3 आ गया कैरी इसका, और 7 2 जा 14 हो जाएगा, 14 और 3 17 हो जाएगा, और फिर 7 1 जा 7 और 1 8 हो जाएगा। अब सही है ये, तो यहाँ पे कितना आएगा 7 आएगा, तो यहाँ तो आपका 10 में से 5 5 गया, अब यहाँ 9 9 में से 7 जाएगा तो 2 बच जाएगा, ऊपर से 0 ले लिया था हमने, अब ये 2 टाइम्स जाएगा, यहाँ पे जो 3 लिखा है इसकी जगह 2 टाइम्स लिखेंगे। चलिए अब 2 से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 125 को 2 से मल्टीप्लाई करिए, कितना जाएगा 2 5 जा 10 एंड 2 2 जा 4 और 1 5 हो जाएगा, 2 1 जा 2 हो जाएगा, 250 आ जाएगा, तो यहाँ पे 250 लिखा जाएगा और ये माइनस कर देंगे, तो ये सारे के सारे कैंसिल हो जाएगा, कुछ भी रिमाइंडर नहीं बचेगा, रिमाइंडर 0 बच जाएगा। तो क्या बताने था, तो नंबर एस लिखना पड़ेगा, सो द नंबर इज कितना हो जाएगा 172 हो जाएगा, सो आंसर आ गया ये आपका। तो इजी है, मल्टीप्लाई में थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा आप लोगों को भी। चलिए नेक्स्ट नंबर लेते हैं, थर्ड क्वेश्चन, द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज 1,15,625। इफ वन ऑफ द नंबर इज 125, फाइंड द अदर नंबर। यहां पर भी हमें डिवाइड ही करना पड़ेगा, तो 125 से डिवाइड करना है, कितने को डिवाइड करना है, 1,15,625। चलिए देखते हैं डिवाइड करके इसको, इसमें सबसे पहले इस 12 का टेबल हम पढ़ेंगे, इसमें 115 में, तो ये 9 टाइम्स जाएगा आपका। अब 9 से इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, 125 को 9 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, देखते कितना आ जाता है, 9 5 जा 45 तो 5 आ गया, 4 कैरी हो जाएगा, और 9 2 जा 18 और 4 22 हो जाएगा, 2 कैरी हो गया, 9 1 जा 9 हो जाएगा और 2 और आ जाएगा, तो 9 और 2 हो गया 11, तो 11 ले लिया मैंने यहाँ पे, तो ये आ जाएगा आपका 1,125। चलिए देखिए कितना आ जाएगा, अब ये इसको माइनस करना है, 6 माइनस 5 1 हो जाएगा, 5 माइनस 2 जो है यहाँ पे करेंगे तो 3 आ जाएगा, बाकी सब तो इधर 0 0 रहेगा, ऊपर से 2 और ले लेंगे, तो अब कितने टाइम जाएगा, इट विल बी ओनली 2 टाइम्स, सो 125 को जो है 2 से और मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आ जाएगा, 2 5 जा 10 हो जाएगा, 1 कैरी हो गया, 2 2 जा 4 और 1 5 हो गया, 2 1 जा 2 आ जाएगा, यहाँ 250 आ जाएगा, सो यू कैन राइट हियर 250। चलिए इसको माइनस कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 2 और माइनस करेंगे 0 तो 2 ही रह जाएगा, यहाँ कैरी लेना पड़ेगा, 11 11 माइनस 5 तो 6 हो जाएगा, और यहाँ पे 2 माइनस 2 कुछ नहीं आएगा, तो यहाँ पर क्या लेंगे, 5 ले लेंगे आप। अब ये 5 टाइम्स जाएगा, तो क्या होगा यहाँ पे 5 टाइम्स, देखते हैं 5 टाइम्स को भी, यानी 125 को 5 से और मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5
फाइव फाइव जाए कितना हो जाएगा 25 रहेगा, टू कैरी हो जाएगा, फाइव टू जा 10 और टू 12 हो जाएगा, वन कैरी आएगा, फाइव वन जा 5 और वन 6 हो जाएगा, तो ये 625 आएगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 625 लिख देंगे और इसमें माइनस कर देंगे, तो यहाँ कुछ भी रिमाइंडर नहीं बचेगा। सो आंसर आ जाएगा द टू नंबर, वन नंबर इतना, तो फाइंड द अदर नंबर, सी यू कैन राइट हियर द अदर नंबर, द अदर नंबर। इस इक्वल टू कितना हो गया 925 एंड दैट विल बी योर आंसर। तो इजिली कर लेंगे, दिक्कत नहीं आनी चाहिए वैसे तो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को भी देखते हैं, फोर्थ क्वेश्चन है। द टोटल कॉस्ट ऑफ 35 मोबाइल सेट्स इज रुपीज 37,825, देन फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच मोबाइल। यहां पर भी डिवाइड ही करना है, तो किसको करना है, 35 से डिवाइड करना है, किसको डिवाइड करना है, 37,825 को डिवाइड करना है। यहाँ पे बच्चों ये थोड़ा मिस्टेक फुल दिया हुआ है, ये 7 की जगह जो है आपका 6 होना चाहिए, ये वाला नंबर 6 होना चाहिए, यानी कि मैं फिर से लिख दे रहा हूँ 37 का नहीं बच्चों, यहाँ 8 की जगह 6 होना चाहिए, यानी 37 और 625 नंबर आएगा ये, इसको सही कर लेंगे जरा आप लोग। चलिए अब डिवाइड करते हैं 37,625 को, ये 37,625 को 35 से, तो सबसे पहले तो 35 सेम साइज दिखाई दे रहा, तो वन टाइम जाएगा यहाँ, तो यहाँ 35 आ जाएगा, और ये 7 माइनस 5 करेंगे तो 2 आ जाएगा, और 3 माइनस 3 तो 0 हो जाएगा, इसलिए क्रॉस कर दे रहा हूँ, ऊपर से 6 ले ले रहे हैं, और 26 में 35 का तो डिवाइड हो नहीं सकता, तो एक जीरो और ले लेंगे और दूसरी को ले लेंगे ऊपर से, 2 को नीचे ले लेंगे, ये 2 यहाँ आ जाएगा। अब ये जो आएगा ये 7 टाइम्स जाएगा, तो देखते हैं 37 जाएगा 21, तो 7 टाइम्स लेते हैं, तो 7 टाइम मल्टीप्लाई करके देखेंगे इसको कितना हो जाएगा, यहाँ 35 की 7 से मल्टीप्लाई करनी है, कर दीजिए 7 5 जा 35, तो यहाँ 3 कैरी हो जाएगा, 7 3 जा 21 और 3 हो जाएगा 24, तो यहाँ आ जाएगा 245, और इसको माइनस करना है अब आपको, तो यहाँ से कैरी लेंगे 12 हो जाएगा, 12 माइनस 5 करेंगे तो 7 आ जाएगा, और यहाँ बच गया 5, 5 माइनस 4 करेंगे तो 1 आ जाएगा, 2 और माइनस 2 करेंगे तो 0, ऊपर से इस 5 नंबर को भी ले लेते हैं, यहाँ आ जाएगा 5। अब जो जाएगा ये 5 टाइम्स जाएगा ये, तो 5 टाइम्स देकर देखते हैं इसको कितना आता है, तो 35 की 5 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, 5 5 जा 25 तो 5 हो जाएगा, 2 कैरी, 5 3 जा 15 और 2 17 हो जाएगा, तो ये 175 आ गया, यानी कि यहाँ पर भी 175 आ गया है, और क्या हो जाएगा अब आगे, इसको माइनस करेंगे तो सारे के सारे कैंसिल हो जाएंगे, तो ठीक हो जाएगा। इसका मतलब क्या बताना है, ईच मोबाइल की कॉस्ट बतानी है, तो यहाँ लिखोगे द कॉस्ट ऑफ ईच मोबाइल, यहाँ क्या लिखना है, द कॉस्ट ऑफ ईच मोबाइल, इज इक्वल टू पहले रुपीज लिखेंगे तब लिखेंगे आप, कितना आएगा 1075 एंड दैट विल बी योर आंसर। चलिए इसमें बुक में अपने आप सही कर लेना इसको बच्चों, यहाँ बुक में ये नंबर थोड़ा रॉन्ग मिसप्रिंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फिफ्थ नंबर। इफ द डिवाइजर इज 48, द कोसेंट इज 403 एंड द रिमाइंडर इज 5, फाइंड द डिविडेंड। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे करना है। हमारे पास ये फॉर्मूला है बच्चों, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। तो चलिए देखते हैं, पहले लिख लेते हैं हम, डिवाइजर कितना है हमारे पास, देखो डिवाइजर गिवन है 48, ये 48 डिवाइजर है हमारा, सो 48 लिख दीजिए, इंटू कोसेंट कितना है 403, यानी यू कैन राइट हियर 403, ध्यान रखना है इसकी पहले मल्टीप्लाई करेंगे तब जाके प्लस करेंगे हम। रिमाइंडर कितना है हमारे पास, 5 है रिमाइंडर, तो यहाँ पर 5 लिख देंगे। तो सबसे पहले 403 की मल्टीप्लाई किससे करते हैं, 48, तो चलिए करके देखते हैं। सो 8 3 जा
24 और 8 4 जा 32। तो चलिए आगे 4 यहां पर एक क्रॉस लगाएंगे 4 के नीचे और आगे फिर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 3 जा 12 हो जाएगा और 4 4 जा 16 हो जाएगा। तो चलिए कर लेते हैं इसको, कितना आ गया यहाँ, यहाँ 4 हो गया, 2 2 4 हो जाएगा और 2 और 1 3 हो जाएगा और 3 और 6 9 हो जाएगा और ये 1 ही रहेगा। तो चलिए यहाँ पे लिख लेते हैं कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 9 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 4 आ जाएगा और 1 और 4 होगा, प्लस का 5 होगा, इसमें हमें 5 को और ऐड करना है। तो कितना आ जाएगा, 5 और 4 9 हो जाएगा, ये 4 है, ये 3 है, ये 9 है और ये 1 है, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 9 3 4 9 एंड दैट इज योर आंसर। सो यही आपका आंसर हो जाएगा। तो ये चैप्टर बच्चों यही समाप्त हो रहा है, मेरे ख्याल से सारी चीजें समझ में आ गई होगी आप लोगों को। नीचे आपको ये लाल रंग का बटन दिखाई दे रहा है, इसको जरूर दबा के सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करना ना भूलें और ज्यादा से ज्यादा बच्चों को शेयर करें जिससे ज्यादा बच्चों को फायदा भी हो सके और इस बेल आइकन को भी दबा लीजिए जिससे कि मैं नया वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को तुरंत मिल सके। मेरे चैनल को देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत थैंक्स। इसी के साथ मैं आरएस प्रसाद आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ और आशा करता हूँ वीडियो में आप लोग देखते रहेंगे, ऐसा ही अपना प्यार देते रहेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे। नए वीडियो में मैं फिर से मिलता हूँ।